हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेट सिंपल तो एग्जाम्स मेट सिंपल में आपका स्वागत है स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन यानी कि इक्कीस दिसंबर दो हजार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ठीक है ना तो ये आप कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कल मैं नहीं बना पाया था न्यूज़पेपर बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी फिट

Question, आपने देख लिया ऑप्शंस है पहला इट इज न्यू सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू आइडेंटिफाई द साइबर अटैक्स इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स दूसरा है इट इज एन इंटरनेट बेस्ड सिस्टम इंटीग्रेटेड विद रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम तीसरा है इट इज ऑफ डिजिटल करेंसी दाइव या अ न्यू स्पीशीज ऑफ आपको बताना है कि विहंगम क्या है किससे रिलेटेड है ऑप्शन रिलेटे आपके सामने है लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू तो एंड द टेररिज्म इन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इट वॉज लॉन्च बाय डी आर डी ओ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम रेंज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल तीसरा इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंड करप्शन एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेश्स चौथा इट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू प्रूव द किलिंग्स इन नागालैंड तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट डेविल इनमें से किससे रिलेटेड है दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री है रुद्रम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताना है कि रुद्रम के लिए क्या सही है पहला है इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल तीसरा है uh, दूसरा स्टेटमेंट है द मिसाइल मेनली टारगेट्स कम्युनिकेशन राडार एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स ऑफ द एनिमी तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन तो ये तीन सवाल आपने देख लिया ना अपनी तरफ से इनको अटेम्प्ट जरूर करिएगा और अब मैं आंसर्स बताऊंगा तो आप इसको मैच कर लीजिए कमेंट सेक्शन में आपका काम केवल इतना रहेगा कि आपको बताना है कि आपके कितने सही हैं या कितने आपने अटेम्प्ट किए थे उनमें क्या क्या हुआ ठीक है ना तो आप, आप आपस में भी तो कम्पीट करो है ना आपस में भी कम्पीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम एग्जामिनेशन में आपको इसी कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के साथ आगे बढ़ना है तो विहंगम क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको इजी था सबको पता होगा सेकंड बी विल बी द आंसर इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है इंटीग्रेटेड विद रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम दूसरा सवाल मैंने पूछा था प्रोजेक्ट डेविल की रिगार्डिंग तो याद रखिएगा 1997 में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेविल जो है वो डीआरडीओ ने स्टार्ट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ठीक है ना तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या बी और तीसरे सवाल का आंसर भी हो जाएगा बी तो बी 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 नहीं मतलब बी 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 विल बी द आंसर फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चन ठीक है ना तो बी वी विल बी द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन Uh, रुद्रम के लिए भी आंसर जो है वो बी है uh, इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल नहीं है रादर इट्स एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है तो बहुत ईजी सवाल था आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया हुआ था अगर आपको याद हो तो दैट वॉज द इट एंड देखते हैं आज का मेन क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है तो मेन क्वेश्चन है फेडरलिज्म इज नॉट जस्ट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रादर इट्स द फाउंडेशनल एंड

किस तरीके का फेडरलिज्म जरूरी है ये सारी चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी और क्या थ्रेट है इसको आज आज के परिपेक्ष में कोई थ्रेट है क्या फेडरलिज्म को तो इसके ऊपर भी लिखना है आगे बढ़ते हैं एक न्यूज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट uh, न्यूज है कि इंडियन डेजर्ट कैट इंडियन डेजर्ट कैट देखने को मिली है फॉर द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट देखने को स्पॉट uh, हुई है ठीक है ना द प्रेजेंस ऑफ द डेजर्ट कैट इन द पन्ना टाइगर रिजर्व इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इज इंक्रीजिंग इन द रिजर्व ड्यू टू सिक्योरिटी बिंग हाइटेंड इन द फॉरेस्ट एरिया इन इट्स फॉरेस्ट एरिया तो पन्ना टाइगर रिजर्व में चूंकि जो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एंड देयर फोर द नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पन्ना टाइगर रिज़र्व अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको पता ही है पहले से भी रहा है क्योंकि जो ये इंटरकनेक्शन केन बेतवा लिंक जो बनाने की बात की जा रही है और जो ये दोधान दौधान डैम का नाम आपने सुना होगा छतरपुर रीजन में बनाने की बात की जा रही है उससे कही न कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व को भी पड़ने वाला है एंड दैट इज द रीजन वाई कि क्यों ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पन्ना टाइगर रिजर्व वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज्यादा एक्टिव uh, एक लोकेशन है कहना चाहिए कि बाय बायोडावर्सिटी की बहुत एक्टिव लोकेशन आप बोल सकते हैं इसको एंड अब जो है वो बिकॉज ऑफ द केन बेतवा लिंक और बिकॉज ऑफ द दोधान डैम जो कि

पाई जाती है वो कजाकिस्तान में वेस्टर्न इंडिया में चाइना में और मंगोलिया में पाई जाती है इंडियन डेजर्ट कैट अगर देखो आप तो कजाकिस्तान वेस्टर्न इंडिया और चाइना और मंगोलिया में ही पाई जाती है हाइबैट की बात करें तो कैट इज फाउंड इन द डेजर्ट्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर द टोज ऑफ द स्पीशीज हैल्प्स जम टू बैलेंस द फ्लक्चुएटिंग डेजर्ट टेम्परेचर इन इंडिया द एशियाटिक वाइल्ड गार्ड इनहिबिट्स दर्ड डेजर्ट एंड इट्स एसोसिएटेड विद द स्क्रफ डेजर्ट स्क्रफ डेजर्ट और थर्ड डेजर्ट रीजन में ये पाई जाती है एंड बेसिकली ये रिकॉर्ड हुई थी अभी मध्य प्रदेश में एक जगह है नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश एंड यूपी वाला रीजन जहाँ पे मिर्जापुर फॉरेस्ट आते हैं वहां पर ये पाई गई थी लेकिन अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व में देखने को मिले इसका आयु सी स्टेटस की लेकिन हम बात करें तो लीस्ट कंसर्न पे रहेगा द आयु सी एन स्टेटस इज स्टिलीस्ट कंसर्न तो ये आप याद रखिएगा ठीक है ना एक और न्यूज देख लेते हैं लोकसभा पासेज बिल टू लिंक द इलेक्टोरल रोल्स विद द आधार तो एमिड वाइड प्रोटेस्ट काफी प्रोटेस्ट चल रहा था अपोजिशन मेंबर्स के द्वारा फिर भी लोकसभा में एक बिल पास किया गया जिसका एम है टू लिंक द इलेक्टोरल रोल डेटा यानी कि जो इलेक्टोरल रोल डेटा आपका जो इलेक्शन कार्ड बना होगा ना इलेक्टोरल कार्ड बनता है इलेक्टोरल में डेटा जो भी आपका है उसको आधार इको से लिंक करने के लिए यह बिल पास किया गया है ठीक है ना जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ही हैज मूव्ड द बिल जिसका नाम था इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ही टोल्ड द हाउस दैट द लिंकिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल विद विदर्स आधार वाज वॉल्ट्री अब इन्होंने कहा इट वाज वॉल्ट्री एंड इन्होंने लेकिन कहा कि जो uh, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस है एंड उन्होंने ये कहा कि अगर ये हो जाता है मतलब यानी कि इलेक्टोरल रोल के साथ अगर ये आपका आधार का डेटा लिंक हो जाता है तो वो इसको प्योरीफाई कर देगा मतलब कि गंगा गंगा जी के पानी से धो देगा एक तरीके से पूरी इनका ये कहना था कि ये गंगा जी के पानी से धुलने वाली प्रोसेस रहेगी पूरे इलेक्टोरल रोल को और अब इलेक्टोरल रोल अशुद्ध क्यों है इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग अशुद्ध इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारे इल्लीगल जो माइग्रेंट्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है उन्होंने अपना इलेक्टोरल कार्ड और ये सब बनवा रखा है एज पर एज पर द रूलिंग जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग यही देखने को मिलता है कि प्योरीफाई भाई भाई इन ये बात कर रहे हैं प्योरीफाई करने की तो प्योरीफाई करने की बात तो तब होती है जब कोई चीज़ ऑलरेडी अशुद्ध हो तो इम्प्योर क्यों है कोई चीज़ इम्प्योर इसलिए क्योंकि अभी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनके बहुत सारे कार्ड्स बने हैं एंड दे आर

एंड दिस इज द थिंग लेकिन लोगों ने जो जो पोजीशन किया वो ये किया कि भैया आप इसको अगर आप करते हैं मर्ज करते हैं तो प्राइवेसी का क्या होगा लोगों का ऑब्वियस आता है क्योंकि जो आधार है इसमें बायोमेट्रिक डेटा से लेकर के हर हाँ डेटा लिया गया है तो उसको क्यों आप लिंक कर रहे हो इलेक्टोरल का, कार्ड से आपको लिंक करने का क्या मतलब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है अगर आप बिल पास ही करना चाहते थे जैसे अधीर रंजन चौधरी जी का ये कहना था कि अगर आपको बिल पास ही करना है तो फिर आप इसको वाइड स्प्रेड डिस्कशन के लिए किसी स्टैंडिंग कमेटी को क्यों नहीं भेजते हैं क्योंकि the... ऐसे छोटे मोटे बिल तो हैं नहीं बड़े बिल है, है फेडरलिज्म को, तो को, 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 तो को भेज सकते हो, day, 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 uh, in, तो अब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का काम था वो सही से नहीं किया जा रहा है दिस इज what the government says. सिक्स एडिशनल सीट फॉर जम्मू एंड वन फॉर काश्मीर प्रोड्यू प्रपोज तो अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही है कहाज कहा जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है और ये हो रही है दो हजार ग्यारह सेंसस के अकॉर्डिंग दिस इज है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड इलेवन सेंसस एंड इसके जो कमिटी थी डिलिमिटेशन कमीशन को जो हेड कर रही थी उनका नाम था जस्टिस रंजना देसाई याद रखेगा जस्टिस रंजना देसाई एंड शी इज हेडिंग द पैनल

के लगभग आएगा ये ठीक है ना लगभग क्या आएगा मैथमेटिक्स में कौन सा लगभग आता है यार मैथमेटिक्स हो तो एग्जैक्ट ही आएगा है ना तो अगर मैं सही हूँ तो फिर एट्टी थ्री आएगा एंड इसके अलावा इन्होंने सात सीट्स बढ़ाने का कहा है जिसमें कि छः सीट जो हैं वो जम्मू में बढ़ेगी एक सीट कश्मीर वाले रीजन में बने बढ़ेगी एंड अगर सात सीट मैं और बढ़ा दूं, है ना तो मैं मैथमेटिक्स का हूँ लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए बता देता हूँ अगर आप इस तरह से करते हैं तो सात तीन होता है दस हाँ सिलाई एक और आ गया नौ तो ये हो गया नब्बे तो नब्बे हो जाएंगी सीट्स है ना तो नाइन्टी सीट्स विल बी देयर एंड यहाँ पे हिंदू के लिए मैं यहाँ पे देख देखो लिखा है इन्होंने कि अब इन्होंने थोड़ा वैसा लिख दिया है कि पहले एट्टी सेवन थी एंड अब नाइन्टी है है ना तो दैट इज़ अ थिंग आप याद रखिएगा कि अब नाइन्टी सीट्स रहेंगी पहले एट्टी ऑलरेडी थी वैसे लेकिन जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि सात सीट्स और बढ़ेंगी छः बढ़ेंगी इधर और एक बढ़ेगी जम्मू वाले रीजन में तो सात और बढ़ेंगी तिरासी प्रजेंट है तो एट्टी सेवन से नाइन्टी हो जाएगा ठीक है ना बढ़ जाएगी तो इसके अलावा कमीशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द डिस्ट्रिक्ट वेयर द एससी एंड एस टी वुड बी रिजर्व Uh, लेकिन इन्होंने कहा है कि रिजर्व करना जो रहेगा वो उन्होंने उसका रेशियो जरूर बता दें कि कितनी सीट्स वो रिजर्व करेंगे है ना तो ड्राफ्ट जो प्रपोजल उसमें उन्होंने कहा है कि नाइन सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइव्स एंड सेवन वुड बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट तो नौ सीट्स रहेंगी रिजर्व शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और सात सीट्स रिजर्व रहेंगी शेड्यूल्ड कास्ट so के लिए तो ये हो जाएगा सोलह सीट्स और रहेंगी जो कि रिजर्व रहेंगी ठीक है ना सोलह सीट्स एक तरीके से रिजर्व भी रखी जाएंगी ठीक है ना अब यहाँ प्रायर जो अभी तो एट प्रेजेंट एट्टी थ्री आपको पता चल गया ना और नाइन्टी का कह रहे हैं रंजना देसाई जी है ना उनके सजेशन में तो ये आप थोड़ी चीजें याद रखिएगा ठीक है ना आगे मैं आपको थोड़ा सा एक मैप मैप दिखाऊंगा खैर मैप आप, मैं आपको दिखा दूंगा लेट मी मूव अहेड है ना मैप मैं जब वो न्यूज आएगी तब आपको दिखा दूंगा ठीक है आगे मूव करते दिखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है मूव अहेड विद मी यहाँ पे पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर अफगान वुमेन it's the great regression of एक बहुत पहले एक टर्म आया था 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन द ग्रेट डिप्रेशन याद है ना आपको जिसमें कि अमेरिका अमेरिका में पूरा इकोनॉमी ठप्प बैठ गई थी पूरा प्रोडक्शन ठप्प बैठ गया था ना तो अब ये तालिबान या अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए भी एक उसी तरीके का डिप्रेशन फेज़ आया जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट रिग्रेशन द ग्रेट रिग्रेशन क्यों क्योंकि ऑलरेडी जो वुमन की कंडीशन थी तालिबा अफगानिस्तान में बिफोर कमिंग ऑफ दालिबान तालिबान वो थोड़ा ठीक चलने लगी थी थोड़ा ठीक की तरफ मूव कर रही थी बट आफ्टर कमिंग ऑफ द तालिबान द स्टेटस है ऑल अगेन डिग्रेडेड एंड अब जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने राइट्स के लिए जूझ रही हैं अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि हालांकि जो तालिबान है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है एक मॉडरेट इमेज शोकेस कर रहा है और बार बार माँ की माँ की कसम खा रहा है बोल रहा है विद्या कसम खा के बोलते हैं कि हम महिलाओं को सारे राइट्स दिलाएंगे हम उनको फ्रीडम दिलाएंगे ये लेकिन वो बाद में क्या करे फिंगर क्रॉस करके कसम खा रहा है तालिबान पूरी कसम फिंगर क्रॉस करके खा रहा है और अगर हाथ देख रहे हो तो नीचे पैर के पैर के अंगूठों से फिंगर क्रॉस कर ले रहा है और ऐसे में झूठी कसम खा रहा है तालिबान क्यों अब झूठी कसम खा रहा है क्योंकि देखो अपनी इमेज तो उनको लिबरल दिखानी है लेकिन मनी मन जो ये हैं एक्चुअल में वो तो वही हैं ऑर्थोडॉक्स हैं बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं वो कहीं से नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भैया काम करें महिलाएं जॉब पे जाएं महिलाएं एजुकेशन गेन करें ये नहीं चाहते क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन का सिंपल सा है देखो एक चीज़ याद रखना जब भी व्यक्ति एजुकेटेड हो जाएगा जब भी व्यक्ति एक तरीके से कहना चाहिए कि अपने राइट्स जानने लगेगा तो फिर वो राइट्स डिमांड भी करने लगेगा व्यक्ति राइट्स डिमांड कब नहीं करता है, जब वो अपने राइट्स जानता नहीं है लेकिन अगर व्यक्ति अपने राइट्स जानता है तो फिर उनको डिमांड करता है इसीलिए जितने 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 भी पहले की में, जितने भी भी पहले के में डिक्टेटर्स रहे हैं जितने भी चाहते हैं चाहते कि वो उनको आ, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़े उन सभी ने कोशिश किया कि शिक्षा को दबाओ उन सभी ने कोशिश किया कि एजुकेशन को दबाओ क्योंकि जब आप एजुकेशन दबा देंगे तो व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं चलेगा और अगर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो कभी भी किसी अथॉरिटी का अपोज नहीं करेगा ठीक है ना तो दैट दैट इज द द हैज बीन मेन मोटिव ऑफ तालिबान आल्सो वो चाहते नहीं कि किसी को अपने अधिकारों के बारे में पता चले स्पेशली वुमेन क्योंकि अब चूंकि वो कंजर्वेटिव मेंटेलिटी के हैं ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाएं उनके ऊपर राज करें वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आ, आ, महिला हेड ऑफ द स्टेट बने बट ऐसा होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि आप,

वो खुद इतने पुराने टाइम पे लिखते हैं प्लेटो कि उनके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि वो विमेन जो मेल है उनसे कम है इनफैक्ट विमेन आर मोर देन मेन क्योंकि मैन जो है वो uh, वो नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता एंड ये क्वालिटी भी वीमेन को दी गई है एंड यही चीज़ प्लेटो बोलते हैं कि वीमेन आर फार अड वेमेन आर फार हेड उनके पास एक तो पहले कोई ऐसी कमी नहीं है ना नॉलेज की उनके पास कमी है ना ये कुछ भी आप उनको प्रोवाइड कर उनको मिल जाएगा दूसरी चीज़ उनके पास जो लाइफ कंटिन्यू रखने की पावर है वो पावर मेल के पास नहीं है तो ये चीज़ में प्लेटो बोलता है कि वीमेन एक्सीड फार अड फार हेड देन मैन है ना वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से रिजीम्स जो है वो विमेन को मतलब करने सबॉर्डिनेट में रखना चाहती हैं लेकिन अब देखिए क्या होता है अब यहाँ पे ऑथर ने रियलिटी बताई कि रियलिटी जो तालिबान में चल रही है ना वो कुछ और ही चल रहा है वहां चल ये रहा है कि वुमेन गर्ल्स अगर स्कूल जा रही हैं तो उनको मना कर दे रहे हैं उनको सेकेंडरी स्कूल लेने नहीं दे रहे हैं प्राइमरी स्कूल में भी उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस रखे जा रहे हैं उनको बोलते हैं कि भैया आप पूरे अपने आप को आपके बॉडी का एक पार्ट नहीं दिखना चाहिए मतलब हाथ की उंगलियां तक नहीं दिखनी चाहिए आपकी आंखें बस दिखनी चाहिए ओवरऑल देखने के लिए क्लासेस के अंदर पर्दे लगा दिए गए मैंने आपको बताया दिखाया भी था वो चीज क्लासेस के अंदर पर्दे लगा दिए गए सेकेंडरी एजुकेशन आपको गेन नहीं करने दिया जा रहा है है ना इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगी तो कोई मेल काउंटर पार्ट कोई मेल शेपरॉन आपके साथ बाहर निकलेगा है ना ये सारी चीजें इसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने एक डिक्री भी की है है ना हैव इशूड मेनी थिंग्स बट उन्होंने कुछ नए कोर्ट्स निकाले जैसे कि देखो रिस्ट्रिक्टिंग मोबिलिटी एंड टेकिंग अवे फ्री फ्रीविल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वही ले लिया उन्होंने तो, फ्री विल उन्हों छीन ली गई है एंड आर मैंडेटेड टू वियर क्लोथ दैट कंप्लीटली कवर देयर हेयर बॉडी एंड मोस्ट ऑफ द फेस हैव टू है बाई लिविंग होम ज तो सोचेंगे अभी भी तीस से चालीस साल पुराना जो सिस्टम चल रहा था अफगानिस्तान में वही अभी मतलब इन्होंने एक झटके में इन्होंने एक झटके में अफगानिस्तान को चालीस साल पीछे कर दिया कुल मिलाकर के वही बाली बात है ना इसके अलावा अगर आप देखें तो बीबीसी की रिपोर्ट थी जिसमें ऑफिशियली कंफर्म किया इन्होंने कि दैट द गर्ल्स विल रिमेन बैंड फ्रॉम अटेंडिंग द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टिंग अ वरिंग ड्रॉप इन द अटेंडेंस ऑफ गर्ल्स इन द प्राइमरी क्लासेस एज वेल प्राइमरी में भी गर्ल्स का जो अटेंडेंस है वो गिरने लगा है एजुकेशन सिस्टम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इशू किया ऑर्डर कि मेल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम क्लासेस सिक्स टू ट्वेल्व आर टू रिपोर्ट टू देयर स्कूल्स लेकिन उन्होंने स्कूल गर्ल्स का मेंशन नहीं किया तो तालिबान जब अब ऑर्डर भी निकाल रहा है तो मेल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का नाम ले रहा है मतलब एक कितना बड़ा एक डिफरेंसीशन क्रिएट कर रहे हैं वो है ना मेन जो है वो जॉब्स के बिना है विमेन को जॉब करने की परमिशन भी नहीं है मुझे लग रहा है तालिबान से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले महिलाओं के भैया हम जॉब कर लें कि ना कर लें है ना ऊपर से भैया बोलेंगे तो उनको और परेशान करेंगे लोग तो पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली है तालिबान में दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टर्म्स ऑफ इवेंट फॉर अफगानिस्तान स्पेशली द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान स्पेशली द गर्ल्स ऑफ अफगानिस्तान माइट बी हैविंग मेनी ड्रीम्स है ना क्योंकि ड्रीम्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ जस्ट वन

एंड वीडो के पास हस्बैंड प्रॉपर्टी का कुछ शेयर जाएगा तो लेकिन जो ओवरऑल प्रॉब्लम है ओवरऑल प्रॉब्लम तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि एजुकेशन जो है वो दैट इज द मेन की एजुकेशन हमेशा से की रहा है और अगर एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो एक गाना नहीं है एक तू ना मिला पूरी दुनिया मिली भी तो क्या है तो वही वाली हाल हो जाएगा कि अगर एक शिक्षा ना मिली ना तो बाकी सब कुछ मिलता भी गया तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का है ना अगर मैं आपको एजुकेटेड ना रखूं और केवल आपको बोलूं कि भैया आप ये खर्चे पानी के लिए आप मेरे से पाँच सौ रुपये लेते जाओ महीने में या पर डे लेते जाओ तो कहीं ना कहीं मैं आपकी कैपेबिलिटी को लिमिट कर रहा हूं ना अगर मैं केवल आपको पाँच सौ रुपये पर डे के दे रहा हूँ तो महीने के मैं कितने दे रहा हूँ मैं महीने का आपको पंद्रह हज़ार रुपये दे रहा हूँ और पंद्रह हजार में मैं आपकी वो कैपेबिलिटी को लिमिट कर दे रहा हूँ जो हो सकता है आप पंद्रह लाख कमा सकते हो महीने में हो सकता है आप पंद्रह करोड़ कमा लो महीने में लेकिन मैंने आपको पंद्रह में ही लिमिट कर दिया तो वही वाली बात है कि केवल इस तरीके के बेनिफिट्स देने से कुछ नहीं होगा आप हमको शिक्षा दो ना है ना शिक्षा न, 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 आपको नॉलेज चाहिए फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है कि नियरली 87 परसेंट जो अफगान वुमेन है दे आर फेसिंग एटलीस्ट वन टाइप ऑफ फिजिकल वायलेंस फिजिकल सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस एंड 62 परसेंट तो ऐसी हैं जिनको मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस फेस करने पड़ रहे हैं तो ये जो स्टेटस है वुमेन का दैट इज नॉट एट ऑल प्रेज प्रेजवर्दी दैट इज नॉट एट ऑल गुड एंड तालिबान की जो नई गवर्नमेंट है उसने जो वुमेन्स अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उसको रिप्लेस कर दिया है विद द मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस एंड ये ये नाम रख दिया मतलब कि जो वुमेन्स अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उसको बना दिया है मिनिस्ट्री फॉर द प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस एंड इट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैकेनिज्म द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टू थाउजेंड नाइनटीन ऐसा लॉ था जिसने रेप को क्रिमिनलाइज किया था फोर्स्ड मैरिज को क्रिमिनलाइज किया था उसको भी रेस कर दिया मतलब कि राम बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं उधर से डिक्री दे रहे हैं कि भैया हम आपको फोर्स नहीं करेंगे मैरिज के लिए ऑल इधर से जो लॉ था फोर्स मैरिज के लिए उसको आपने एलिमिनेट कर दिया तो भैया बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक तरीके से कहना चाहिए कि एक एक मेजर्ड वे में जो है तालिबान वो महिलाओं को उनके अधिकारों से छीन रहा है उनका हनन कर रहा है दैट इज द थिंग दिच वॉज इंपॉर्टेंट द सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म ये दूसरा एडिटोरियल है जो कि हम पढ़ेंगे तो यहां पे ऑथर ने जो बात की है वो बात की है कि, कि किस तरीके से फेडरलिज्म यानी कि जो स्टेट्स और सेंटर की भी सेंटर और स्टेट्स को जो एक लाइन में रखने की बात थी कहीं ना कहीं वो समाप्त होती जा रही है अब सेंटर स्टेट्स इस तरीके से आ गए मतलब फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिवीजन द सेंटर स्टेट इज मूविंग टू अ वर्टिकल डिवीजन तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल में आप इक्वालिटी की बात करते हैं जब भी आप हॉरिजॉन्टली बोलते हैं ना कि ये है सेंटर ये है स्टेट है ना एक होता है वर्टिकल सेंटर है ये स्टेट ये ट्रिकल डाउन है ये ट्रिकल डाउन है और ये तो ऑलरेडी है कि बराबरी है है ना तो ये जो है द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज मूविंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और फॉर्म में मूव कर रहा है अब यहां पे ऑथर ने बोला भैया रिसेंटली बहुत सारी चीजें हुई जैसे कि उन्होंने कहा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें जो स्टेट्स हैं उनका शेयर बढ़ाया गया कि भैया आपको ज्यादा देना पड़ेगा फिर फिफ्टीन फिनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखे गए फिर कहा कि डिमोनिटाइजेशन ये भी सेंट्रल की तरफ से बिना स्टेट्स के साथ कंसल्ट किए इसको ला दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ला दिया गया स्टेट्स का बिना कुछ सोचे हुए ठीक है ना फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन आपने दिया नहीं फिर आपने वन नेशन वन राशन ला दिया वन नेशन वन राशन भी तो एक तो तरीके से कहना चाहिए स्टेट्स का होना चाहिए था क्योंकि स्टेट्स भैया स्टेट में राशन कार्ड बन रहा है अगर तो स्टेट्स की पावर है लेकिन अब सेंट्रल बोल रहे हैं वन नेशन वन राशन इसका मतलब है कि स्टेट्स की पावर यहां पर भी खत्म कर दिया आपने तो कुल मिलाकर के ये सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो जो स्टेट से पावर है वो ली जा रही है ना स्टेट

एक्ट ऑफ गॉड है इसलिए हम इसमें क्या करें है ना फिर थोड़ा बहुत रोग आके पैसा दिया भी गया लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब स्टेट्स की हालत खराब थी भैया ऑक्सीजन है नहीं बेड है नहीं मास्क बन नहीं रहे सारी चीज करने के लिए उनको चाहिए था पैसा उन्होंने की खूब बोरोइंग और बोरोइंग की इतनी कि जो जो फिजिकल डेफिसिट तीन तक लिमिट होना चाहिए था वो बढ़ के कितना चला गया पांच चला गया अब ऐसे में फेस कौन कर रहा है ये सारे ब्लंट कौन फेस कर रहा है ये फेस कर रहा है आपका स्टेट फेस कर रहे हैं अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो मतलब कि स्टेट्स को आपने डेट में डाल दिया अब स्टेट्स की ऑलरेडी कैपेबिलिटी खराब हो गई है और जीएसटी आपने ऑलरेडी इंप्लॉय कर रखा है मतलब कि जो स्टेट्स के जो टैक्सेस थे वो ऑलरेडी आपने ले लिए हैं तो टैक्सेस भी आपने ले लिए कंपनसेशन भी आपने पूरा नहीं दिया और स्टेट्स के पास डेट भी ज़्यादा हो गई तो स्टेट्स अब करें क्या? है ना किस तरीके से आप करेंगे इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि जो नॉन डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस है वो सेंटर बढ़ाता जा रहा है मतलब ऐसा टैक्स जो कि शेयर नहीं करना पड़ रहा है स्टेट्स के साथ यानी कि सेस सेस हो गया CES वाला जो पार्ट है वो बढ़ाता जा रहा है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ले रहे हो आप फ्यूल में पेट्रोल टैक्स या सेस uh, के फॉर्म में आप पेट्रोल सेस ले रहे हो तो ऑथर ने यह कहा कि ये जो नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है ना ये सेंट्रल बढ़ा रहा है तो ये भी अंडरमाइन करता है किसको फेडरलिज्म को यह भी अंडरमाइन करता है क्योंकि मैं आपको स्टेट्स के साथ कुछ शेयर नहीं करना है लेकिन देखो काम जो होगा हो ना डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आपको यह समझना पड़ेगा कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है स्टेट्स के डेवलपमेंट से अगर स्टेट्स डेवलप नहीं करेंगे तो सेंटर या इंडिया नहीं डेवलप कर सकता है केवल आपको सेंटर के रेवेन्यू नहीं बढ़ाने हैं आपको ओवरऑल इंडिया के रेवेन्यू बढ़ाने हैं है ना तो ये चीज जो है ये डिफ्रेंसिएशन जो है समझना पड़ेगा और स्टेट्स को भैया पावर देनी पड़ेगी स्टेट्स को उनका ड्यू देना पड़ेगा है ना और ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करने से बचना पड़ेगा जो कि स्टेट्स उनकी पावर ले उनको अगर आप अपन ऑटोनॉमस नहीं रख पाए सो दैट विल बी अ डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी दैट विल बी अ डिफीट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेज जिसके लिए इतना फ्रीडम मूवमेंट और ये सब

ना स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर में इंक्रोच करना सेंटर को बंद करना पड़ेगा एंड उनको जो फिनेंशियल ऑटोनॉमी है वो एटलीस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि बिना फाइनेंशियस के कोई भी स्टेट काम नहीं कर सकता है ना दैट इज द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा प्रदीप रावत टू टेक ओवर एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना तो याद रखेगा एंड uh, यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रदीप कुमार रावत

का जो स्टेट हाउस है लेटिव ले हाउस उसने कहा है कि भैया अफपा को आप रिपील कर सकते हैं है ना दिस इज वॉट हैज बिन डन एंड थोड़ा सा अप्सफा नाइनटीन फिफ्टी एट का एक्ट है आप सबको पता है जिसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं इवन फायरिंग की पावर दे दी जाती है इवन उनको अरेस्ट विदाउट वारंट की पावर दे दी जाती है ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है जो कि मिल जाती हैं चौदह आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट ही है नाइनटीन फिफ्टी का लेकिन इसमें वही कुछ कैवियट्स हैं कि आपको फायरिंग करने से पहले तीन बार शाउट करना पड़ेगा वॉयलेंस का मतलब आपको अनाउंस करना पड़ेगा है ना बिफोर आ, शूटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी अफ्समा में है अब अफ्सपा को रिपील करने के लिए नागालैंड ने किया है थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कमिटीज थी जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में कहा है तो याद रखेगा अफसपा जो है 2004 में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में एक जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी 2004 में याद रखेगा जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी जिसने स्टडी किया था अफसपा को और कमेटी ने कहा था दिस लॉ इज हाईली अनडिजायरेबल 2004 में

संतोष हेगड़े कमिटी बाय द कोर्ट इन्वेस्टिगेटेड सिक्स एंड फाउंड देम टू तो बी फेक संतोष हेगड़े कमिटी भी बनाई गई थी तो इस तरीके की जीवन रेड्डी कमिटी संतोष हेगड़े कमिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन दो में इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन फैमिली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर के द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन ये सारी चीजें पॉइंट टूवर्ड्स करते हैं क्या कि आपको अफसभा को रिपील कर लेना चाहिए फ्रॉम द स्टेट्स है ना तो ये अब देखे कि किस तरीके से होता है लेकिन नागालैंड ने अभी ये चीज आगे बढ़ा दी है एंड सेंटर के पास ये इन्होंने भेज दिया है भैया हम चाहते हैं कि आप अफसों को अपील कर लो नॉ इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू है ना तो आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पावर यहाँ पे uh, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिस्ट मिलेनियल बिन इलेक्टेड एज चिलीज न्यू प्रेसिडेंट चिली के न्यू प्रेसिडेंट है ये फॉर्मर स्टूडेंट है बोरिक एंड गैब्रियल बोरिक तो ये देखो बिल्कुल यंग यंग है है एकदम एकदम बोरिक के प्रेसिडेंट बन चुके हैं चिली के है ना मुझे, लग रहा है कि इंडिया से मुझे भी खड़े इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट नाउ फॉर चिली एंड लेफ्टिस्ट मिलेनियल एंड ही वॉज फॉर्मर स्टूडेंट एसोसिएशन लीडर ऑल्सो है ना बीजिंग डिफेंस हॉन्गकॉन्ग पोल्स एम रिकॉर्ड लो टर्न आउट तो अब हांगकांग में भैया वोट करने कोई गए नहीं बट चूंकि चाइना को आदत है कि एक दो आदमी के वोट से ही वो पार्टी बना लेते हैं ना वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट कितने लोग डाल रहे हैं वो तो भैया हर चीज़ में डिफेंड करते हैं जैसे उनके में अगर उनके में चूंकि एक ही पार्टी है वन पार्टी गवर्नमेंट रहती है नाइनटी नाइन वोट उसी को जाते हैं एक पार्टी को जाते हैं और उस एक आदमी वोट ही डालता जाता है वहां पर एक ही आदमी वोट डालने जाता है वो खुद ही वोट डालते हैं खुद ही खुद कुछ विनर बना लेते हैं और बोलते हैं कि रेस में मैं अकेले दौड़ा और फर्स्ट आया है ना तो वो रेस में अकेले भी दौड़ते हैं और फर्स्ट भी आते हैं फिर और इनको शर्म तो आती नहीं है तो अब हांगकॉन्ग में भी वही इन्होंने वही चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी हांगकॉन्ग को भी इन्होंने पूरी तरीके से एकदम वो बना दिया अपना एक तरीके से कहना चाहिए मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बना दिया लेकिन वही बना दिया है ठीक है ना अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हांगकाग और बीजिंग की थोड़े सा आप हिस्ट्री समझ लीजिए कि हांगकॉन्ग एक्चुअली में किसके अंदर आता था हांगकॉन्ग आता था ब्रिटेन के अंदर ठीक है ना हांगकॉन्ग किसके अंदर आता था ब्रिटेन के अंदर कथ आता था एटीन नाइनटीन uh, में नाइनटीन नाइन्टी सेवन में uh, ये जो आपका ब्रिटेन है इसने हैंड किया हांगकॉन्ग को टू द चाइना ठीक है ना याद रखेगा ब्रिटेन के पास था 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को हैंड ओवर किया किसके पास चाइना के पास दिया लेकिन पूरा माँ की कसम खिलवाई उनको विद्या की कसम खिलवाई बोला कि तुम्हारा यूपीएससी कभी ना निकले अगर तुमने कसम तोड़ी ये सारी चीज़ें उन्होंने ये सारा कह के चाइना को कसम खिलवाई और चाइना ने कहा भी कि मैं मार्कसम खाता हूँ विद्या कसम खाता हूँ और मेरा यूपीएससी ना निकले अगर मैं कसम तोड़ूँ तो ये सारी चीज़ें बोली और उनको ये कहा गया कि हांगकॉन्ग जो है वो स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन के रूप में रहेगा उन्होंने कहा कि 50 सालों तक हांगकांग को आप टच नहीं करेंगे स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन के रूप में रहेगा और इनका एक लॉ था जिसको बेसिक लॉ बोलते हैं हांगकॉन्ग का एक लॉ था जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिक लॉ बोलते हैं उन्होंने बोला कि भैया बेसिक लॉ से आप रूल करना और इसको एक स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन के रूप में ट्रीट करना अब चाइना ने सारी कस्में खा ली लेकिन अभी 2020 से इनका पूरा मतलब कसम क्या उन्होंने बोला कि आप कसम तोड़ देते हैं सारी सुपारी वन में डाली सीता जी ने कसम उतारी इन्होंने ये चीज़ बोल करके कसम उतार दी और अब ये आ गए किस चीज़ पे ये आ गए अपने जितने भी वादे थे इन्होंने कैंसिल कर दिए उन्होंने भैया अब कह दिया कि हांगकॉन्ग में केवल देशभक्त लोग वोट डालेंगे अब देशभक्त जो है उसकी डेफिनेशन क्या रखी है कि जो पार्टी के खिलाफ नहीं है यानी कि जो चाइनीज पार्टी के खिलाफ नहीं है वो देशभक्त है और जो चाइनीज पार्टी के खिलाफ है वो एंटी नेशनलिस्ट हैं नॉन पेट्रियोटिक पेट्रियट्स हैं और नॉन पेट्रियोट्स को वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है इसके अलावा जो बेसिक लॉ था उसमें भी इन्होंने चेंजेस कर दी जैसे कि वहां पे जो लेजिसलेटिव काउंसिल थी उसमें कुछ मेंबर्स चाइनीज उसके हुआ करते थे अब उन मेंबर्स के नंबर इन्होंने बढ़ा दिए ठीक है ना दे हैव इंक्रीज द नंबर ताकि वहां के जो बेसिक लॉज हैं उनको चेंज किया जा सके तो चाइना अब इन सब चीजों पर उतार आइए और हांगकॉन्ग को पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर लिया वश में कर लिया है तो हांगकॉन्ग का ये मैप आपको थोड़ा सा मैं देता हूं देखो यू कैन सी द मैप ऑफ हॉन्गकॉन्ग कैन नाउ यू कैन नॉट यू कैन नॉट सी इसलिए नहीं देख पाओगे आप क्योंकि ऑब्वियस इंटरनेट इज नॉट देयर लेट मी लेट मी ब्रिंग इट बैक ओके सो वी विल सी इसको बंद इसलिए करके रखता हूं ताकि आप लोग वो ना करें किसी का फोन भी नहीं आना है, है ना तो यहाँ पे ये देख लो हॉन्गकोंग दिस इज द पार्ट एंड ऊपर आपको मेनलैंड चाइना वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज द मेन लैंड चाइना बस जुड़ा हुआ ही नीचे का पार्ट है जिसमें यहाँ पे आपको डीप बे दिख रहा होगा दिस इज द डीप बे वाला रीजन और यहाँ पे आपका मीर्स बे तो दो बे भी इंपॉर्टेंट है यूपीसी ने एक बार पूछा था कि कौन सी दो बेस के बीच में आता है तो मीर बे और डीप बे दोनों का नाम याद रखेगा मीर बे एंड डीप दिस इज द नेम और नीचे आपका साउथ चाइना सी लाई करता है दिस इज द हॉगकांग वाला पोर्शन है ना हांगकॉन्ग का पोर्शन आपको बीच में दिख रहा होगा विक्टोरिया हार्बर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विक्टोरिया हार्बर दिस इज द पार्ट एंड यहाँ चाइना में चाइना और हांगकॉन्ग के बीच में एक रिवर जो बॉर्डर बनाती है उसका नाम है याद रखेगा श्याम चुन रिवे श्यामचुन रिवर दिस इज द ने रिच फॉर्म्स दर इन बिटवीन चाइना एंड हॉन्गक चाइना और हॉन्गकॉन्ग के बीच का जो बॉर्डर है वो श्यामचुन रिवर बनाती है तो इसको भी आप याद रख सकते हैं uh, uh, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है वहां के इनको भी आप देख सकते हैं विक्टोरिया हार्बर आपको दिखाई दिया मैंने है ना तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग इसको आप याद रख सकते हैं ठीक है ना तो आगे मूव करते हैं हैं, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है अगर तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स द टाटा इंडिया एयर इंडिया डील तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया टाटा ग्रुप की एक्विजिशन uh, जो था एयर uh, इंडिया का उसको कंप्लीट कर दिया अठारह हजार करोड़ में और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो आपको पता है कि दो में एक एक्ट आया था कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट आया था ये 2002 में एक्ट आया था 2003 में ये बॉडी बनी थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 2009 2009 में याद रखिएगा से इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई 2002 में एक्ट आया 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ 2009 से इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं और ये देश में लेवल प्लेइंग फील्ड और कॉम्पिटिशन को बढ़ाने की बात करता है तो ये सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है होप यू होट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट न So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us. Keep sharing us. Thank you and have a nice day.